ओके गाइस वेलकम चैनल में सकते हैं सीचेड भी से आज पहले अपने स्टिक डेली एनालिसिस करें स्टॉक एक्सचेंज और ट्रेड पर प्रोसेसिंग पर पर ओके सो कल अपनी क्या होता है कि मार्केट 18480 के नीचे निकलता है तो अपन को एक ट्रेड मिल जाएगी और वहां पर अपने 8200 पॉइंट्स के टारगेट होने चाहिए। ये अपनी बात हुई थी। यहां पर मार्केट ऑलमोस्ट नीचे तो आया लेकिन 50 पॉइंट्स तक नीचे आने के बाद मार्केट ने यहां पर काफ़ी देर बेस बनाया। यहां पर इसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स के बाद मार्केट थोड़ा सा बेस बना रहा था तो वहाँ पर मार्केट रिट्रेलिंग होनी चाहिए थी। और मैंने भी एक बार इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था कि मैंने एक लॉटी ऑलमोस्ट ऑप्शन सेल करके बताया था कि यहाँ पर अगर ट्रेलिंग इंपॉर्टेंट है बिकॉज ट्रेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट बेस बना रहा था, डब्ल्यू पैटर्न बनाया मार्केट ने, फिर उसके बाद यहाँ से अपना प्रॉफिट जाना तो नहीं चाहिए था बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने डब्ल्यू बना के बेस बना के बता दिया था कि यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है ऊपर तक। हो सकता है ब्रेकडाउन भी हो जाए लेकिन ब्रेकआउट हुआ तो अपना प्रॉफिट लॉक इन होना चाहिए था, एट कॉस्ट निकलना तो एटलीस्ट चाहिए ही था। ओके सो अभी डायरेक्टली कल पर चलते हैं। तो कल की बात करें तो देखो मार्केट ने थोड़ा सा, अगर आप मार्केट को थोड़ा सा देखने जाओ तो मार्केट ने इस रेंज में मार्केट कारोबार कर रहा है तो 18460 नीचे ऑलमोस्ट 18460 ऊपर 18660 तो ये 200 पॉइंट की रेंज है। अगर मार्केट को ऑल टाइम हाई जाना है तो दिस इज़ द बेस्ट रेंज बिकॉज मार्केट यहाँ पे 200 पॉइंट्स की रेंज बना के रखा है। तो अगर मार्केट यहाँ से 1:1 भी देने की कोशिश करेगा 18660 के ऊपर तो ऑलमोस्ट 18860 के आसपास पहुँच जाएगा। और अगर 1:2 की तरफ जाता है तो यहाँ से 19000 के ऊपर मार्केट निकलने का ट्राई कर सकता है। तो ये अपन को देखना पड़ेगा, अगर 18660 18670 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है देन अपन को एक ट्रेड मिलेगी और यहाँ पे अपने टारगेट्स इमीडिएटली अपन को ऑलमोस्ट इंटरडे के लिए टारगेट जो अपने रहेंगे वो ऑलमोस्ट 18665 के ऊपर 5 मिनट कैंडल क्लोज करती देन 18720 पैरा टारगेट इसके ऊपर फिर 18780 तक के टारगेट रह सकते हैं। ओके अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है देन फिर मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जाने का ट्राई कर देगा। तो 18665 के ऊपर 18720 और 18780 तक के टारगेट अपन को देखने को मिल सकते हैं। बात करें नीचे की तो जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ से बेस बना के निकला है तो अगर मार्केट कल इनकेस किसी भी केस या तो गैप डाउन के केस में या फिर मार्केट थोड़ा सा फ्लैट खुल के डायरेक्टली नीचे आके इसको ब्रेक करता है देन फिर अपन को यहाँ से भी एक मोमेंटम मिल सकता है। तो अपन के लिए जो नीचे का लेवल लगा वो ऑलमोस्ट 18530 के आसपास ही रहेगा। तो 18530 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट के इमीडिएट टारगेट 18460-18465 तक के हो जाएंगे। ओके सो ये टारगेट अपने सेलिंग के साइड मिल जाएंगे अपन को। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है देन एक बड़ा ट्रिगर मिलेगा ऑलमोस्ट 150 से लेकर 200 पॉइंट्स का। अगर मार्केट 18660 के ऊपर क्लोजिंग करता है देन अपन को ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जाता हुआ दिख जाएगा। तो 200 पॉइंट की रेंज है मार्केट की, तो अगर 200 पॉइंट इधर ट्रैवल करता है तब भी अपन को ऑलमोस्ट टाइम आई देखने को मिल जाएगा। अगर मार्केट 18460 के नीचे क्लोजिंग करता है देन इमीडिएटली मार्केट 18250 की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ओके सो दिस इज द व्यू ऑफ निफ्टी। यहाँ पर निफ्टी इज लुकिंग थोड़ा सा रेंज है, रेंज कब ब्रेक होती है ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। जब भी होती है तब उनको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो अभी डायरेक्टली चलते स्टॉक्स की तरफ तो पहला स्टॉक्स विल बी रेडिंगटन। तो रेडिंगटन मैंने पहले ही फोकस में डाला हुआ था लेकिन ये काफ़ी दिन से रेंज पे था, इसको इसने रेंज का ब्रेकआउट किया, अभी थोड़ा सा रिट्रेस करके अभी थोड़ा सा होल्ड कर रहा है अपने लेवल्स पे, तो इसको फोकस में डाल सकते हैं। फॉर इंट्राडे से लेके 1 से 2 दिनों का व्यू बना के भी इसको डाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा फोकस डाला था यहाँ पे जब ये ऑलमोस्ट हेड एंड शोल्डर बना रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कहीं मैंने इसको फोकस दिया लेकिन इसके बाद फिर से काफ़ी ज़्यादा टाइम पास वाले जोन में रहा, मेरे पास भी था, मैंने भी इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं निकाल दिया था एक बार, फिर ये नीचे आया तो यहाँ पे फिर से फोकस डालने का ट्राई बनता है इसमें। तो अभी देखो इसने ब्रेकआउट दिया, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया यहाँ पे और उसके बाद रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट करके आज फिर से एक अच्छी कैंडल देखने को मिली है इसमें, तो इसको इसके ऊपर फोकस डाल सकते हैं। तो अगर कल ये ऑलमोस्ट 186 से लेकर 186.20 के ऊपर अगर 15 से 30 मिनट सस्टेन करता है तो इसको फोकस में डाल सकते हैं, 15 से 30 मिनट सस्टेन करता है तो इसको फोकस में डाल सकते हैं। 1.5 से 2 रुपये का एसएल और टारगेट ऑलमोस्ट 1:2 इंट्राडे के लिए, इसके ऊपर ऑलमोस्ट 1:3 तक के टारगेट 2 से 3 दिनों का व्यू बना के रखे जा सकते हैं, लेकिन इंट्राडे के लिए ऑलमोस्ट 1:2 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर इसके 1889 और 1910 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके सो 186.20 से 186 के ऊपर अगर 15-30 में सस्टेन करते हैं एक मोमेंटम रेडिंगटन में देखने को फॉर द अपसेट मिल सकता है। ओके सो नेक्स्ट स्टॉक विल बी TCS। तो TCS IT सेक्टर थोड़ा सा नीचे की साइड ड्रैग हुआ है लेकिन लास्ट में थोड़ा सा रिवर्सल आया, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा अगर ऑलमोस्ट 3220 के नीचे का सस्टेन करता है देन इसको फोकस में डालेंगे, 3220 के नीचे अगर 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है देन इमीडिएटली इसको फोकस में डाल सकते हैं। वहाँ से ऑलमोस्ट 1200-1400 रुपये का ऐसा
12 से 14 रुपए का एसएल 1:2 के आसपास का टारगेट इसमें बना सकते हैं। 3200 के आसपास अगर आता है तो इसको ट्रेल करना भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 3200 तक के टारगेट पहले रख सकते हैं, लेकिन उसके नीचे ऑलमोस्ट 1:2 भी इसमें प्लान कर सकते हैं। तो TCS थोड़ा सा देखो यहाँ पे इसमें इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, इसका ब्रेक डाउन दिया इसने। अगर चाहे तो एक बार रिटेस्ट करके फिर डाउन जा सकता है, थोड़ा यहाँ से भी कंटिन्यू करता है तो एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि 3220 के नीचे इसको फोकस में रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट स्टॉक विल भी ऑलमोस्ट रहेगा अपना SBI ऑल्सो, लेकिन थोड़ा सा ये नीचे की साइड ही ड्रैग होगा। अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे की साइड आता है तो इसको अपन थोड़ा सा डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। अगर ये आता है तो बिकॉज इसमें भी एक ट्रेंड लाइन का आज थोड़ा सा इसने नीचे की साइड डाउन साइड दिखाया है, तो अगर कल ये ऑलमोस्ट 583 के नीचे आता है, लेकिन लेवल थोड़ा सा लास्ट आवर में जो अप मूव आया इसमें स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा थोड़े ऊपर खिंच गए हैं। देखें अब देखते हैं, अगर गैप डाउन होता तो वही लेवल फिर से आ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं होता है तो 583 के नीचे ही अगर आता है तभी इसको फोकस में डाले। 583 के नीचे 5 मिनट के अंदर क्लोज करता है देन इमीडिएटली इसको फोकस में डाल सकते हैं। ऑलमोस्ट 4 से 5 रुपये का एसेट डालें या फिर 3 से 4 रुपये का एसेट, 4 से 5 रुपये का एसेट और 1:2 के टारगेट के लिए फॉर द एंटायर डे पर्पज सेल साइड के लिए फोकस में रख सकते हैं। ओके, सो जिस तरीके से मोमेंटम किया यहाँ पे एक गैप डाउन हुआ था, फिर धीरे धीरे ऊपर गया, आज एक रेड कैंडल में अगर इसके नीचे निकलता है तो एक और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो 583 के नीचे SBI को सेल साइड के लिए फोकस में रख सकते हैं विद द एसएल ऑफ 4 to 5 रुपीज़। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक विल बी त्रिवेणी टर्बाइन। सो त्रिवेणी टर्बाइन इज ऑल्सो लुकिंग थोड़ा सा गुड लग रहा है अभी के लिए, तो इसको फोकस में डालेंगे फॉर द अपसाइड। इसमें भी एक ऊपर की तरफ एक इसने थोड़ा सी रेंज बना ली है, तो एक टेंडलाइन ऊपर की तरफ जा रही है और इसको ऊपर निकलता है तो एक मोमेंटम ऊपर को देखने को मिल जाएगा। अगर ये ऑलमोस्ट 402 से लेकर 403 के ऊपर अगर 15 मिनट सस्टेन करता है देन इसको फोकस में डाल सकते हैं। ऐसे ज़्यादा बड़ा नहीं, ऑलमोस्ट 4 से 5 रुपये का एसएल और टारगेट ऑलमोस्ट 1:2 से लेकर 1:3 तक के भी रख सकते हैं। ओके, तो अगर 402-403 के ऊपर सस्टेन करता है थोड़ी देर देन ऑलमोस्ट 4 से 5 रुपये का एसएल 1:2 से लेकर 1:3 तक के टारगेट बना सकते हैं। यहाँ पर टारगेट अपने ऑलमोस्ट 418 से लेकर 420 तक के टारगेट ऐसे हो सकते हैं। अगर इसके ऊपर कभी क्लोज करना स्टार्ट करता है 420-425 के ऊपर देन इसमें एक नेक्स्ट स्विंग प्ले किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज द व्यू ऑफ निफ्टी एंड सम स्टॉक्स। यहाँ पर निफ्टी इज लुकिंग इन रेंज जो कि 200 पॉइंट की दिख रही है अपन को। जिस भी साइड ब्रेक होती है तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऊपर के लिए लेवल होगा 18,660, इसके ऊपर की क्लोजिंग नीडेड है फॉर द रेंज ब्रेक और नीचे की साइड होगा 18,460। इसके नीचे अगर किसी भी साइड इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो अपन को एक 150-200 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है और तब तक अपन को रेंज में प्ले करना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, सी यू।